आदर्श आचार संहिता लगने के बाद नहीं हो सकते ये काम, राजनीतिक दलों पर लग जाते हैं ये प्रतिबंध। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श चुनाव आचार संहिता बनाई है। देश के 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। इस खबर में आज हम जानेंगे कि आदर्श आचार संहिता लगने पर मध्य प्रदेश में किन सरकारी और राजनीतिक कामों पर पाबंदी हो जाएगी और किस पर नहीं। साथ ही ये भी जानेंगे कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग और उसके नुमाइंदे क्या कार्यवाही कर सकते हैं। क्या है आचार संहिता? यहाँ बताते चलें कि देश में किसी भी चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम शर्तें तय की हैं। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। आदर्श आचार संहिता कानून के द्वारा लाया गया प्रावधान नहीं है, ये सभी राजनीतिक दलों की सर्वसहमति से लागू व्यवस्था है जिसका सभी को पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले साल 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई थी, जिसमें इसके तहत बताया गया कि उम्मीदवार क्या कर सकता है और क्या नहीं। इसके बाद वर्ष 1962 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता के बारे में सभी राजनीतिक पार्टियों को अवगत कराया गया। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने सभी सरकारों से इसे लागू करने को कहा और यह सिलसिला आज भी जारी है। समय समय पर चुनाव आयोग इसके दिशा निर्देशों में बदलाव करता रहता है। चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है जो चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहती है। चुनाव में हिस्सा लेने वाले राजनैतिक दल, उम्मीदवार, सरकार और प्रशासन समेत चुनाव से जुड़े सभी लोगों पर इन नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी होती है। आचार संहिता में किन कामों पर होती है पाबंदी? आचार संहिता लगने के बाद किन कामों पर रोक होगी, इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन बनाई है। उनमें से कुछ प्रमुख गाइडलाइन ये हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी नई योजना या नई घोषणाएं नहीं हो सकती हैं। कोई भूमि पूजन और लोकार्पण भी नहीं हो सकता है। चुनावी तैयारियों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज आदि का उपयोग वर्जित होगा। आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दी जाती हैं। होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है। धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती है। रिश्वत के बल पर वोट हासिल नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते हैं। मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते हैं। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जा सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।